Hi friends, welcome to my channel Getgreen Yoga. आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े मुद्दे पर, जैसे कि हम सभी वाकिफ हैं, और वो है कोरोना वायरस. गौर करते हैं फैला कहां से, आया कहां से. ये सबसे पहले चीन में चमगादड़ यानी बैट से जानवरों में दूसरे, और जानवरों से इंसानों में, और इसी तरह दुनिया भर में, हर शहर में, हर मुल्क में, हर रियासत में ये बिल्कुल फैल चुका है. और आज हर कोई बेहद परेशान है. बहुत सारी मौतें भी हो रही हैं, बहुत से लोग एडमिट हैं, कुछ लोग अच्छे भी हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई दवाई नहीं. नो इंजेक्शन, नो टैबलेट्स, नो वैक्सीन. तो फिर डॉक्टर अच्छा कैसे कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा हो गए हैं, हेल्दी हो गए हैं, क्योर्ड हो गए हैं. इसका कारण क्या है? वो है सपोर्टिव केयर. बुखार बहुत ज्यादा है तो उसका दवा दे दो कालपोल. दर्द ज्यादा है तो कोई पेन किलर दे दो. इस तरह से ट्रीटिंग चल रही है. और जिसके अंदर इम्यूनिटी द पावर ज्यादा है वो लड़ रहे हैं. हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो लड़ते हैं जितने हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस है उससे लड़ते हैं, उसको मारते हैं और लोग सेहतमंद हो जाते हैं. लेकिन इसके जो वायरस हैं, कोरोना वायरस, इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हमारे जो इसके एंटीबॉडीज बन रहे हैं और जो हमारे WBC हैं, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे. ये लोग उसको अपना दोस्त समझ रहे हैं. यही वजह है कि उसको मार नहीं पा रहे हैं. और तो गौर करते हैं, बात करते हैं तो क्या करें. सबसे पहले होता क्या है कि ये है इन्फेक्शियस डिजीज, छूतछात वाली बीमारी. एक इंसान से दूसरे इंसान में और दूसरे इंसान से तीसरे इंसान में ये इस तरह से फैलता जाता है. वो अगर छींक दे, वो अगर खांस दे, तो उसके मुंह से निकला हुआ वायरस सीधा हमारे मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा इंटर कर जाता है और हम भी मरीज हो जाते हैं. इसका सिम्टम सेम लाइक सिंपल फ्लू और कोल्ड. तो हमें करना क्या चाहिए? ये सबसे पहले 3 दिन तक हमारे गले में रहता है और इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण थिक म्यूकस जमा होता है और जब हम इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन जा नहीं पाता है, और यही वजह है कि इंसान मर जाता है. तो हम करें क्या? हमें चाहिए कि हमें हॉट लिक्विड लेना चाहिए, गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म दूध, और जो जो पॉसिबल है. गर्म होता है हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस, जो थिक म्यूकस को न्यूट्रलाइज कर देता है. और जो है हम इसे बच पाते हैं, इसको रोक पाते हैं. और जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बूस्ट योर इम्यूनिटी पावर, इम्यून सिस्टम को आप बूस्ट करें, उसको ताकतवर बनाएं, ताकि हमारा बॉडी के WBC हैं और जो अदर केमिकल्स हैं उसके खिलाफ लड़े, उसको मारे और हम बच जाएं. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कुछ साइट्रस फूड लिया करें, साइट्रस फ्रूट. उसमें आता है लेमन लें, गर्म पानी में थोड़ा नमक डालें और उसको घोल के पी लें. और साथ ही ऑरेंज लें, और सब्जियों में पालक लें, ब्रोकली लें, और दूसरे फ्रूट्स जितने लाल कलर के, ऑरेंज कलर के हैं, वो सब के सब, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है. और विटामिन सी का मुख्य जो रोल है हमारे शरीर में, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और मजबूत करता है. और अगर हम मजबूत हैं तो हम उस वायरस से लड़ पाएंगे, 2-4 छींक आएंगे वो निकल जाएगा और हम हेल्दी हो जाएंगे. और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को मजबूत करें, हेल्दी करें अपने बॉडी ऑर्गन को. तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है, पुशअप्स हैं, रनिंग है, और कुछ नए भी तो मैं आपको बताता हूँ. एक सूर्य नमस्कार 10-20 राउंड उसको कर लें तो उससे भी पूरे बॉडी में गर्मी पैदा होता है और गर्मी के कारण वो वायरस मरते हैं. आज की तारीख में, आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एंटीवायरल है वो सनलाइट. सनलाइट की गर्मी से वो, उसकी मौत हो जाती है वायरस की. तो आइए करते हैं, ये कुछ करते हैं सूर्य नमस्कार टू स्ट्रेंथन योर बॉडी ऑर्गन.
to keep healthy and strong. Now, stand straight, take namaskar mudra, inhale, go back as much as exhale, come front, touch the floor by both the palms without bending your leg. Now go by jump, this, now go chaturanga dandasana, now go urdhva mukha svanasana, now adho mukha svanasana, touch the heel to the ground. Now bend your leg, come on toes for jump. Now jump, inhale, go back and come to namaskar mudra. Slowly we will increase the speed of doing. Now second round, inhale, go back, exhale, come front, go by jump. Now chaturanga, now urdhva mukha svan, adho mukha svan, bend, come jump, inhale, go back, come to namaskar mudra. Third round, inhale, go back, exhale, come front, bend your leg, jump, adho mukha svanasana, urdhva mukha svanasana, this, now go jump, now inhale, go back, and then come namaskar mudra. Jisse jis prakar ka, jis tarah ka ho sakta hai, wo us prakar kare, aur apne shareer ke angon ko mazboot banaye. Hope you will like this video and comment, share and hit the bell icon and keep healthy.